गाइस, वेलकम टू टेकी मतीन। इस वीडियो में मैं आप सबको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का फुल इन डेप्थ रिव्यू देने वाला हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन की बात करें तो इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है। यह आपको दो कलर ऑप्शंस के साथ आता है, एक है वाइट और दूसरा ग्रीन। इसमें आपको ग्लॉसी फिनिश भी मिलता है। नीचे की तरफ इनको आपकी ब्रांडिंग देखने मिलती है और इसका कैमरा बम्प भी उतना ज़्यादा नहीं है। ये फ़ोन आपको 203 ग्राम का मिलता है और उसकी थिकनेस 9.3 mm की। तो ये फ़ोन आप कह सकते हैं थोड़ा सा बल्की फील करेगा, लेकिन अभी सारे फ़ोन्स इसी थिकनेस और इसी वेट के साथ आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट, माइक होल, 3.5 mm हेडफोन जैक और स्पीकर आउटपुट मिलता है। लेफ़्ट साइड की तरफ आपको सिम ट्रे मिलता है और थैंकफुली इसमें डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी है और आपको गूगल असिस्टेंट के लिए सेपरेट बटन भी मिलता है। राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन देखने मिलेगा। डिस्प्ले की तरफ आते हैं तो आपको 6.67 इंच की फुल HD+ की IPS डिस्प्ले देखने मिलती है। इसमें आपको वाइड वाइन L3 का सपोर्ट मिलता है। हाँ, आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट नहीं मिलता। होप करते हैं माइक्रोमैक्स वाले इसे फ्यूचर अपडेट्स के साथ ज़रूर पुश करेंगे। डिस्प्ले प्रोटेक्शन में कौन सा गोरिल्ला ग्लास कंपनी ने यूज़ किया है वो तो अभी तक उन्होंने रिवील नहीं किया है। सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं तो इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको इसमें कोई भी एड्स, ब्लोटवेयर्स नहीं मिलेंगे, तो आपका इसमें यूज़र इंटरफेस बहुत ही क्लीन होगा और कंपनी ने खुद क्लेम किया है कि यह नेक्स्ट 2 ईयर्स तक अपडेट्स पुश करेगी। तो इसमें आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट ज़रूर देखने मिलेगा और मंथली वाइज सिक्योरिटी पैचेस भी मिलेंगे। कनेक्टिविटी में इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 मिलता है, ड्यूअल 4G वोल्टी का सपोर्ट भी है और वाईफाई कॉलिंग भी आपको इसमें मिलती है। इसमें आपको LPDDR4X नहीं बल्कि LPDDR4 RAM देखने मिलती है और साथ में EMCP वाली स्टोरेज है। अच्छा होता अगर कंपनी LPDDR4X RAM दे देती, लेकिन फिर भी आपको इसमें लैग्स और स्टेटस कोई भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सिक्योरिटी की तरफ आते हैं तो इसमें आपको रेयर फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक भी मिलता है। परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं तो इसमें आपको MediaTek का G85 प्रोसेसर मिलता है, जो एक गेमिंग प्रोसेसर कहा जा सकता है। तो आप इसमें आराम से हाई एंड गेम्स भी खेल सकते हैं, तो गेमर्स जिनका बजट 15,000 के अंडर है वो ये फ़ोन डेफिनेटली ले सकते हैं। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और आउट ऑफ द बॉक्स 18W का फास्ट चार्जर मिलता है, तो बैटरी बैकअप भी इसमें आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो है इसका कैमरा। पीछे की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से एक 48 MP वाला है, 8 MP का वाइड एंगल, 2 MP का डेप्थ और 2 MP का मैक्रो मिलता है। इसमें आप फुल HD तक ही रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसमें भी आपको EIS नहीं मिलता। होप करते हैं कि कंपनी फ्यूचर अपडेट्स के साथ इसमें EIS भी डाल दे। फ्रंट कैमरा की तरफ आते हैं तो ये 16 MP का है और इसमें भी आप सिर्फ 720p के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसमें भी आपको EIS नहीं मिलता। बाकी सारे फीचर्स जैसे पोर्ट्रेट, ब्यूटी मोड्स, आपको सब इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो कंक्लूजन की बात करें, अगर माइक्रोमैक्स फ्यूचर अपडेट्स के साथ अपने सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट्स करे और अपने कैमरा को भी सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट्स के साथ इम्प्रूव करे, तो ये फ़ोन 12,500 में एक तगड़ा फ़ोन कहा जा सकता है। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।